उसमें इस प्रकार की कोई सद्बुद्धि आए, लेकिन जिस प्रकार का उनका लगातार जिस प्रकार का अब तक का एक्शन रहा है, एक दूसरे पर परस्पर अविश्वास वाली भावना बहुत ज़बरदस्त है और केवल ये दिखावा मात्र रहेगी और इसमें कोई सफलता होने वाली मिलने वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि दोनों के या जितने भी हमारे कांग्रेस के आपस के हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने का या उनके ग्रुप्स इतने ज़बरदस्त बढ़े हुए हैं कि किसी की उनके पर दिखावा ज़रूर हो सकता है लेकिन मन मिलने वाली कोई स्थिति नहीं है। बहुत अच्छा सुंदर और सार्थक प्रयास है कामत साहब का, और ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है बाहर विपक्षी पार्टियों द्वारा, विशेष रूप से बीजेपी के द्वारा, कि कांग्रेस में नेताओं में मतभेद है, तो वो जो भ्रम फैलाने की जो बीजेपी की रणनीति है, ये उसके खिलाफ एक तरह से उसका पटाक्षेप होगा। एक सवाल यहाँ पर लगातार उभर कर रहा है, वो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस को उम्मीद लगने लगी है कि अब राज में एंट्री करेंगे? आखिर क्या कारण है कि कामत आए जिसके बाद से इस गुटबाजी की चर्चा होने लगी? दोनों पहलुओं को लेकर संगीता जी फिर से आपका रुख करना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि वजह क्या है, क्यों कामत के आने के बाद ये चर्चे आम हुए कि पार्टी में गहलोत गुट है, पायलट गुट है, सीपी जोशी गुट है, भंवर जितेंद्र कहीं पर बैठे हैं और कहाँ पर रामेश्वर डूडी किसके हक में बोलेंगे, इस बात का इंतजार किया जाता है। देखिए अश्विनी जी, की बार बार ये डिनर पार्टी को एक हवा बनाने की कहीं कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि डिनर पार्टी देना कोई नई चीज नई चीज तो है नहीं, क्योंकि हर पार्टी चाहे वो कोई भी पार्टी हो, डिनर पार्टी के बहाने एक साथ बैठते हैं और चर्चाएं होती हैं। और 2018 के जो चुनाव की बात आप कर रहे हैं, आप गई हैं ऐसी में जहां चर्चाएं की जाती है पार्टी के हक में, सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे आपसे पूछकर हुआ, आप सचिव हैं, कितना काम आपके राय मशवरे के बाद किया गया? देखिए विपक्ष पूरी तरीके से अपना काम निभा रहा है, मैं कल की बात करूं कि मैं जिस तो पार्टी प्रकार की बात कर रहा हूं, विपक्ष वाले रोल पर तो आ ही नहीं रहा अभी, मैं पार्टी की ही ये बात आपको बता रही हूं कि पूरी तरीके से विपक्ष काम कर रहा है और अभी और एक्सटेंड करने की बात की जा रही है। तो आप मुझे 200 पदाधिकारी में कौन बुलाएगा डिनर में, आप बताइए कितना बड़ा होता है, तो कहीं कोई कुनबा बड़ा किया जाता तो इसमें गलत क्या है? आप कुनबा बढ़ाई तो हुआ है, मेरा सवाल उस पर नहीं है, इतराज नहीं है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, आप रखिए। आरुण खंडेला साहब श्याम जी दोनों के पास आऊंगा। संगीता जी, मेरा एक सवाल ये है, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ लगातार इस बात की, कि आखिर क्या जरूरत पड़ी कि आज कांग्रेस को एक सर्वमान्य नेता की तलाश है? देखिए ये कोई सर्वमान्य या वो वाली बात नहीं है, पीसीसी प्रदेश अध्यक्ष हमारे सचिन पायलट साहब हैं और पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे वो अशोक गहलोत साहब हैं, इनके साथ ही और हमने चंद्रभान जी को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर देखा है, क्या मुख्यमंत्री का पद उनके लिए अपेक्षित था? आपने उनको रखा चेहरा चुनाव में? जो बार बार आप जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल निराधार है, एक डिनर पार्टी के बहाने सब लोग, जैसे कि ये कोई नई चीज तो है नहीं, इसको एक तरीके से ये बनाना, कितनी बार हुआ इससे पहले, कब हुआ आपको याद है बता दीजिए? इससे पहले जब संगठन की मीटिंग होती है पूरे संगठन के पदाधिकारी एक साथ होते हैं और लंच भी वहां पर होता है, उस बहाने सब लोग मिलते जुलते। ये क्या पहलू है, किस बात पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है संगीता जी की ओर से? फिलहाल बात यह है कि जो प्रोमिनेंट पदाधिकारी है कांग्रेस के, अभी नेता तो होना तय है, जनता कहाँ है, जनता की चर्चा नहीं है। एक बात, पूरे 2 साल में कोई प्रभावी आंदोलन खड़ा हुआ नहीं राजस्थान में, और वहां पर भी पार्टी के कार्यकर्ता तब बुलाए गए जबकि सोनिया गांधी या राहुल गांधी जी पर आरोप लगे, जब हेराल्ड की बात हुई, जब मिलान के कोर्ट के फैसले की बात हुई, अगस्ता वेस्टलैंड की बात हुई, आपको याद होगा जब भूमि अधिग्रहण की बात में गए तो 945 आदमी राजस्थान से गए, हालत यह हुई ऑर्गेनाइजेशन करके कुछ है नहीं, एक पूरी बात जनता स्वीकार करने वाली नहीं, कोई घोटाला है नहीं, आरोप क्या लगाएंगे? बड़ी बात यह है कांग्रेस की जो हुआ को मोदी सरकार को उसमें ये शगुफा नहीं आना पड़ा। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, कामत साहब इन्हीं परिस्थितियों से नाराज होकर संन्यास ले गए, कामत साहब चले गए थे नागपुर, इन्वर्टेड कोमा में संन्यास ले गए, वो अब संन्यास लेने के बाद संन्यासी को वापस बुलाया है, अब उनको लगता है कि डिनर से कुछ हो सकता है तो वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात अभी भी जनता नदारद है, जनता का विचार कांग्रेस पार्टी में होना बंद हो गया है, कार्यकर्ता का विचार होना बंद हो गया है, नेता का विचार होना बंद हो गया है, ये जब एकजुट होते हैं, जब कोर्ट में केस चलते हैं। एक कांग्रेस कार्यकर्ता अनिल जी जुड़े थे करौली से, उनका क्या कहना था आपने सुना ना
कि क्या आप निचले दर्जे के कार्यकर्ता की राय को तवज्जो देती हैं? मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि खुद की थाली में देखें कि कितनी छेद है, दूसरे की थाली में ना देखें कि कितने छेद है। आप अपनी थाली तो आप खा रहे हो, डिनर तो आप बुला रहे हो, थाली की बात तो वहाँ हो रही है। हालत ये है आप जो खुले मंच पर विरोध कर रहे हैं, आपके मंत्री तक तो मैडम मिलती नहीं है। आपकी पार्टी क्या उसका भी फायदा उठा पा रही है? मैं श्याम जी आपका रुख करना चाहूंगा, खंडेला साहब उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास में। एक कैंपेन अभी फिलहाल कांग्रेस की ओर से देखा जा रहा है सोशल मीडिया पर, अगला मुख्यमंत्री कौन, सबके समर्थक सबके फेसबुक पेजेस पर अलग अलग दावे आ रहे हैं, इस बात के क्या संकेत होंगे? देखिए अश्वनी जी, अभी तो इस स्थिति जब ये डिनर पार्टी का मतलब ये हो रहा है कि पार्टी में टिकट कौन बांटेगा, टिकट बांटने को लेकर के कौन शक्तिशाली बनेगा, इसको लेकर के सब सब चीज हो रही है। अब आने वाले समय ये तो बताए कि सचिन पायलट के हाथ में कितने टिकट होंगे, विश्वेंद्र सिंह वाला किरदार आप भूल गए शायद, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, सवाल इतना नहीं था, उसके बाद किसको नेतृत्व दिया जाएगा, लड़ाई इस बात की नहीं है ये निश्चित रूप से, क्योंकि आने वाला मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो लगता ही है। ये भी कांग्रेस सही तरीके से कहने की स्थिति में नहीं है कि हम किसको मुख्यमंत्री का पद देंगे। अब किसके नेतृत्व चुनाव लड़ा जाएगा, पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में लड़ना चाहिए, उसमें तो किसी को वो था ही नहीं, विवाद तो इस बात का था कि वो नेता नहीं है, सर्वमान्य नेता नहीं है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं और वो भी मनोनीत हैं, निर्वाचित अभी भी सचिन पायलट नेता नहीं है प्रदेश अध्यक्ष, वो तो केवल मनोनीत करके भेजा गया है। अब उसको सर्वमान्य नेता कैसे मान लिया जाए अभी तक तय नहीं हुआ है, क्योंकि कम्युनिटी जिस प्रकार से कांग्रेस से आपके छूट गई है उसको वापस लाना, जैसे एससी एसटी का वोट जो इनके पास था, आज देखेगा कि बीजेपी के पास कितनी सीटें हैं एससी एसटी के, वो आप गंगानगर में सोशल मीडिया कैंपेन की बात करना चाहूंगा। पुरुषोत्तम जी राजसमंद से जुड़े, उनसे बात करते हुए लौटता हूं आपके पास। नमस्कार पुरुषोत्तम जी। हाँ जी नमस्कार, बताएं सर। मैं आज वृद्ध हो चुका हूँ, मैंने 60 साल की उम्र प्राप्त कर चुका हूँ जी सर। हेलो, हाँ जी सुन पा रहा हूँ मैं आपको, बताइए। ये बहुमत की गवर्नमेंट सरकार है, आज मैं रिटायरमेंट होने के बाद एक पैसा नहीं दिया मेरे को इस सरकार ने, ये जिस दिन से वसुंधरा सरकार आई है मैं 39 साल की सेवाएं दी है। और बिल्कुल दर्द है आपका, और इस सिलसिले पर भी हम लगातार डिबेट करते रहे, उम्मीद करूंगा जब इस मुद्दे पर बहस हो तो आपका पक्ष भी रखा जाए। सवाल आज कांग्रेस का है, कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी का है, और इस दौरान एक चेहरे की तलाश क्या कांग्रेस को है और उसी को स्थापित करने की कोशिश किसकी तरफ से यहां पर हो रही है, इसी पहलू पर मैं लौटता हूं। बीजेपी का विरोध का जिक्र यहां पर मनीष पारिक साहब ने कहा कि आप कैसे एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उभर कर आए, खंडेला साहब क्या ये बताने के लिए काफी है कि आज कांग्रेस में गुटबाजी है, ये बताने के लिए काफी है कि एक हफ्ते पहले बिजली की दरों में इजाफा हुआ और कांग्रेस अब कल बड़ा प्रदर्शन करेगी, इससे पहले छोटे मोटे धरने प्रदर्शन होते रहे, तो क्या एकजुटता का ये एक बड़ा संदेश है यहाँ पर? देखिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए जरा, वहां पे चाहे डिप्लोमेसी किसी तरह की कहो आप या डिप्लोमेसी को कुछ भी कहो, बुलाया किसको जा रहा है, जो जमानतें जब्त करवा चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष, और जो हार चुके हैं उनसे पूछेंगे जीते कैसे, अजीब सी कहानी नहीं है, और जो कार्यकर्ता जितवाते हैं, अभी आपने कहा कि सचिव हैं महामंत्री हैं 200 का जो है एग्जीक्यूटिव है, और ये कह रहे हैं कुनबा बड़ा होना चाहिए, तो सारी दुनिया जितने कार्यकर्ता हैं सबको आप एग्जीक्यूटिव कह दो। अब मैं कह रहा हूं जो जितवा सकते हैं उनको बुलाएंगे नहीं, और जो हारने में एक्सपर्ट है हरवाने में एक्सपर्ट है एक दूसरे को उसको आप बुलवाएंगे, ये काय की डिप्लोमेसी है। अब दूसरी बात मैं आपसे कर रहा हूं, सवाल ये आ रहा है कि जनता परक आप अगर जब तक नहीं होंगे ना, जब तक आपको पूछ कौन रहा है, सवाल यह आ रहा है कि आप किसान की बात करें, गरीब की बात करें, दरिद्र की बात करें, बेरोजगार की बात करें, विश्व शांति की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, नहीं विपक्ष के तौर पर कांग्रेस की भूमिका कमजोर क्या हुई है, पहला सवाल। देखिए ये सारी हुई है क्या आपको लगता है हुई है? बिल्कुल है ही कहां विपक्ष है, कहां जो कमजोर हो। दूसरा सवाल इसकी वजह क्या रही है कि पार्टी में राय नहीं है, ये सारी बातें अगर हो तो वास्तव विपक्ष भी सशक्त हो सकता है। अच्छा विपक्ष क्या होगा, यहाँ पर मैं साफ नाम लेके बता रहा हूँ, खाचरावास जी यहाँ के जो जयपुर के अध्यक्ष हैं, उनके कंधे पे सारा भार है भीड़ लाने का, और सवाल यार है कि उसमें इन्वॉल्व कौन हो रहा है, भीड़ लाना अलग बात होती है और इन्वॉल्वमेंट होना अलग बात होती है, उसमें भी क्या होगा, आप सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, कांग्रेस है, मेरी बात सुनिए, सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं संगीता जी बैठी हूँ उनको एक टेक्निकल बात बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया में जो स्टॉन्च कांग्रेसी है वो कह रहा है अशोक गहलोत बने या पायलट बने, अरे मैं कह रहा हूं सेठ जी ये कहती है कि आप नॉन पार्टी के आदमी बनकर और सोशल मीडिया पर आओ, तब तो वास्तव में आपको लगेगा कि हाँ सोशल मीडिया पे आपकी बात की जा रही है, नहीं तो ये लगेगा कि आपके चमचे जो हैं वो आपकी बात कर रहे हैं।
चलिए ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं, चर्चा के दौर को जारी रखेंगे, इस सवाल के जवाब के साथ आएंगे, आखिर जनता की राय क्या है इस पूरे सिलसिले पर, छोटे से ब्रेक के बाद। बिल्कुल 100% निपट पाएगी, जिस हिसाब से अभी कामन साहब ने तीनों गुटों को एक साथ लेके वापसी का प्रयत्न किया है, उस हिसाब से कांग्रेस पुरजोर से वापिस आएगी, अंदरूनी जो भी कलेबाजी है गुटबाजी उसे निजात पाएगी। जहाँ तक वर्चस्व की लड़ाई होती है वो कभी खत्म नहीं होती है, किसी किसी से ठीक है, पार्टी में होने के कारण आलाकमान अधिकारियों आलाकमान का जब हुक्म होता है तो उसके अनुसार ये वादे कर लेते हैं कि चलो हम एक हैं, लेकिन अंदर से ये ना तो एक दूसरे का साथ देते हैं और पार्टी को खोखला करने में लगे रहते हैं।